हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक सबसे कम प्राइस में एक अच्छा सिंगल डोर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ ये फुल वीडियो रिव्यू करिएगा। इसमें मैंने आपको एक चीपेस्ट प्राइस में एक अच्छा सिंगल डोर मैंने आपको प्रेजेंट किया है, जो कि वर्लपूल कंपनी का है, जो कि बेस स्टैंड के साथ है। इसमें प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाएगा कि वर्लपूल की सबसे अच्छी खास ये है कि एक अच्छे प्राइस में कूलिंग बेस्ट है। और साथ ही साथ आपको इस फुल रिव्यू में, आप जैसे बहुत सी मार्केट में आप फ्रिज सर्च करते हैं, एज अ कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंपेयर में क्या है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ कंपेयर किसी से नहीं किया। देखिए, सभी सिंगल डोर अच्छी कूलिंग करते हैं। मेन जो होता है हमारा बजट प्लान अलाउ, तो उसी पे ही ये पूरी वीडियो है। एक अच्छे प्राइस में अगर हमें सिंगल डोर मिल रहा है, वो भी बेस स्टैंड के साथ, तो एक ये अच्छा फ्रिज होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा। मैं हूँ हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन एट जी। तो वीडियो फुल देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा फुल वीडियो में। और कोई भी अगर कोई भी इंक्वायरी है इस फ्रिज से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक और डिज़ाइन के ऊपर। तो देखिए, एक स्मार्टी लुक मिल जाता है सबसे अच्छा, और ये है एक बेस स्टैंड के साथ। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इस मॉडल का जो नंबर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 205 IMPC रॉय 2-स्टार वाइन लीनिया। काफ़ी अच्छा मॉडल है, आप इसे ले सकते हैं। 2023 का मॉडल है। और साथ ही हम इसके डिज़ाइन और अलग अलग लुक वेरिएंट की बात कर लें, तो ये आपको ब्लू कलर में, पर्पल कलर में अवेलेबल है। और अगर हम इसके साथ ही और भी चीज़ों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये 2-स्टार रेटिंग के साथ है। 2-स्टार रेटिंग के साथ आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अगर ये 2-स्टार पे है तो ये लाइट ज़्यादा लेगा। देखिए, हर कंपनी अपने फ्रिज को इस तरीके से मॉडिफाई करती है कि 2-स्टार आपकी लाइट कम ही लेगा पूरे साल में। तो आप फ्रिज पसंद करिए, 2-स्टार की बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये है 2-स्टार रेटिंग के साथ। अब बात हम कर लेते हैं इसके सबसे यूनिक फीचर, ICT टेक्नोलॉजी, जो कि वर्लपूल का पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें वर्लपूल करता क्या है, तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं आखिर क्या चीज़ है। तो देखिए, इनने जो फ्रीज़र में एयर जाती है जो ठंडी, वो कॉइल इनने देखिए बाहर कर रखी है, ये वाली है। इसको बोलते हैं ICT, इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी। आखिर ये क्या है, इनने क्या किया है, अपनी कैपिलरी को दो ट्यूब में कैपिंग कर दी है, जिससे क्या होता है, बाहर के एयर में संपर्क ना होने से आपकी जो एयर होती है वो ठंडी बनी रहती है फ्रीज़र की। तो ये इस पर क्लेम करते हैं कि पावर कट के दौरान 12 घंटे कूलिंग मेंटेन रखता है, जिससे इनकी फल, सब्जियां और कूलिंग ये काफ़ी लंबे टाइम तक की बरकरार रहती हैं। इसका आपको प्लस पॉइंट और भी अच्छा मिलता है, तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि आपको अलग से इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर 12 घंटे कूलिंग मेंटेन कर रहा है। तो देखिए, ये लुक है इसका, स्मार्ट लुक। चलिए बेस स्टैंड देख लेते हैं। बेस स्टैंड में आप ड्राई, जैसे कि आलू प्याज, आप रख सकते हैं। देखिए, बेस स्टैंड से एक फ्रिज का जो लुक होता है बहुत प्यारा आने लगता है। हम स्टैंड तो लगा सकते हैं बाहर से, मगर इस स्टैंड को अलग ही लुक आता है फ्रिज पर, एक स्मार्ट लुक। अब हम इसके थोड़े से फ्रीज़र में देख लेते हैं, जो इंटरनल जो मेन होता है हम फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले इसको, फ्रीज़र को। तो देखिए, फ्रीज़र में आपको एक नॉब मिल जा रहा है जो कि लो, मीडियम, हाई की कूलिंग के लिए है, और साथ ही इससे डिफ्रॉस्ट भी करते हैं। तो ये आप सभी को पता है, ईजी, आराम से ऑपरेट, कूलिंग मेंटेन। बाकी ये फ्रीज़र है। अब देखिए, वर्लपूल का फ्रीज़र इस कैपेसिटी में देखिए कितना बड़ा दे रखा है, पूरा कॉम्पैक्ट है, और साथ में लेमिनार एयर फ्लो भी ये देते हैं। इसी के माध्यम से फ्रिज वर्लपूल का सबसे ज़्यादा कूलिंग भी मेंटेन करता है। देखिए, अदर फ्रिज की मैंने पिक लगा दी है, देख लीजिए उसका फ्रीज़र कैसा होता है। इसीलिए उसको बार बार डिफ्रॉस्ट किया जाता है। वर्लपूल के साथ ऐसा नहीं है, जब आप मन चाहें तब डिफ्रॉस्ट करिए, क्योंकि एयर क्या है, पीछे से नीचे गिरती रहती है, जिससे वर्लपूल कूलिंग को अपने फ्रिज में ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू कंपेयर दूसरे फ्रिज से ज़्यादा बताता है कि हम कूलिंग सबसे अच्छी देते हैं। और इसकी सबसे यूनिक जो एडवांस है, मिल्क जोन, देख लीजिए, इसे चिलर ट्रे भी बोला जाता है। मिल्क से रिलेटेड चीज़ें आप रखिए। दो टफन सेल्फ मिल रही हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग है, आराम से आप इसमें सामान रख सकते हैं।
बाकी वेजिटेबल्स बॉक्स हनीकॉम के साथ दे रखा है, जिसमें बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, मॉइस्चर को लॉक कर लेता है। बाकी वर्लपूल का एक और इसमें पेटेंट फीचर है माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जिससे 99% बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है, जिससे आपकी फल सब्जी लंबे समय तक के लिए ताज़े बने रहते हैं। तो देखिए, ये वर्लपूल का इंटरनल है पूरा, आप सही से देख लीजिए। बाकी डोर पे आप बेवरेजेस आराम से कैरी कर सकते हैं। बहुत से फ्रिजों में प्रॉब्लम आती है कि लिक्विड बॉटल, देखिए 2 लीटर का स्पेस के लिए दे रखा है, आराम से आप इसमें 2 लीटर। बाकी मैं एक पिक साइज़ भी लगा देता हूँ कि अगर आप इस फ्रिज में अगर रखना चाहते हैं तो क्या क्या सामान रख जाता है। तो देखिए, मैंने एक पिक लगा दी है, आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़, फ्रिज बहुत अच्छा है, आप अगर अकॉर्डिंग टू किसी भी फ्रिज से कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस ही इतना अट्रैक्टिव है। अब बात आती है इसकी कैपेसिटी, आखिर कैपेसिटी किसकी है। तो ये आपका 184 लीटर है, जो कि आता है आपका बेस स्टैंड के साथ। देखिए, है ना कितना प्यारा लुक इसका, और इसमें कलर भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, अगर कहीं और आपको इसका और भी प्राइस दिख रहा होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।